हेलो जी, कैसे हैं आप? गुस्से में लग रहे हैं। चलो ठीक है, मैं इंट्रो दे देता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर भाई अरमान। एंड यू आर वाचिंग दिल्ली वाला अरमान। ऐसे आप चढ़ते रहेंगे। गोल्ड का ही है भाई साहब, अंदर देख लो किस तरीके की पेंटिंग करी हुई है। ये टावर में भी मिलेगा, जो बिगेस्ट टावर वो आप देख रहे हैं उस... So guys, जैसे ही आप लोग वो देखो वट फोर, वो पैलेस वहाँ पर है और यहाँ उसके ऑपोजिट वट फोर है। आप सीधा आएंगे, ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जो बोलते हैं इसको तेन था। बहुत पुरानी मार्केट है ये जो आप देख रहे हैं, आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। यूरोपियन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आप अंदर आएंगे स्ट्रेट, तो आपको यहाँ पर जाना है इस साइड पे। ये जो वॉशरूम बना है ना, इसी साइड पे आपको जाना है। दिस इज़ द वे जहाँ पर आपको टिकट शायद लेनी पड़ेगी वाट ऑर्गन के लिए। लेट्स सी या पहले वाली काम आती है नहीं। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ऐसी सी मार्केट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हर फेरी हर पियर के साइड पे है यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। टाइमिंग्स कुछ ये है इनकी, 5 AM to 7 PM और फेयर पर पर्सन 5 THAT। बढ़िया, ये वट अरुण ही जा रही है ना, बोट ट्रिप, कैनल ट्रिप। और अभी जो वेटिंग टाइम है, हर एक 15 मिनट बाद आती है यहाँ पर, जो भी फेरी आती है या बोट आती है ना। एक्चुअली बोट के प्राइस लिखे तो बोट ही आएगी, तो ये हर 15 मिनट बाद यहाँ पर आती है। यहाँ से टिकट आपको लेनी है। ओके सो गाइस, व्हाट आर ऑल ऑपोजिट साइड है यहाँ से, वो जो आप सामने देख रहे हैं, बस वहाँ पर ये लोग हमें ड्रॉप कर देंगे। और वहाँ से फिर जो हमारी बोट है जिसका मैंने पास लिया है, वो मैं फिर यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी सुंदर लग रहा है, यहीं से इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, पास जाके तो और ही अमेजिंग होने वाला है। सो गाइस, मेरे को लगता था यार ये जो टायर लटकाए जाते हैं बोट के ऊपर और पियर के ऊपर, ये किस लिए होते हैं? आज मुझे समझ में आया कि जब ये साइड में होती है ना और ये लगती है, जब ये लगती है तो इसको बचाने के लिए रखा जाता है, बाउंस कर देता है। और यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे बैक साइड से, यहाँ से आपका बट अरोन की एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। बाहर मार्केट है, खाने पीने के सामान है, और यहीं से बाकी का बैंकॉक भी स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल ये जो है, ये यहाँ का फेमस टेंपल है वट अरुण। इसकी जो टिकट का प्राइस है, और यहाँ पर भी ये देखो, कपड़े ऐसे पहनना अलाउड नहीं है। टिकट का प्राइस 100 THAT है यहाँ का, और कैश ही है, यहाँ पर आप कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप बाहर अंदर आएंगे तो आपको एक बॉटल फ्री मिलेगी, एक वाटर बॉटल, और टिकट कुछ ऐसी सी है, वो भाई साहब फाड़ देंगे लेके, 100 THAT लिखा हुआ है। और गाइज, इसकी जो टाइमिंग्स है ना, वो 8 AM to 6 PM तक रहती है। और बेस्ट टाइमिंग टू विजिट दिस टेम्पल इज बिफोर 10 AM, ताकि आपको खाली मिलेगा तो पिक्चर्स वगैरह लेंगे तो ज़्यादा बेटर पिक्चर्स आएंगे, एंड वेदर भी थोड़ा बेटर रहता है। तो गाइज, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाएगा, कुछ चाइनीज़ और थाई का मिक्सचर मिल जाएगा आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर में। लुक एट दैट, कितना ह्यूज है और कितना अमेजिंग है। ये जो हम लोग आ रहे हैं वट फो से, आपको थोड़ा थोड़ा के काफ़ी कुछ सिमिलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अलग है और इसकी हिस्ट्री अलग है, उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है। बाहर कुछ लोकल घर यहाँ पे, वो सामने देख रहे हैं, ये स्कूल है
वो घर नहीं है, ये यहाँ का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और ये ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पर पहनी हुई है मैडम जी, और अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। Yeah, all right. Huge. This is a Chinese statue, Chinese stone statue. Let's go inside. Bada sa gate again. Wow. यहाँ पेंटिंग मैंने देखी है, लोग लोकली भी वैसे बहुत ज़्यादा पेंटिंग करते हैं, और मैंने दरवाज़ों पे, दीवारों पे, हर जगह पेंटिंग बहुत ज़्यादा देखी है। लोग लोकल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं यहाँ पर, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, धीरे धीरे दोनों क्लिक करवा रहे हैं फोटोज। ट्रेडिशनल ड्रेस द गाइस आर वेयरिंग, ट्रेडिशनल ड्रेस, ओके, थाई traditional dress, okay. What do you call this? What name of this dress? Name of this dress is called what? Dress. In Thai language, chut thai dam. Chut thai dam. Thai traditional chut thai dam. Chut thai dam. All of this are chut thai dam. Chut thai dam. Okay. Yes, yes. Thank you so much. You can rent outside. Yeah. 203 hours. Ah, all right. For rent. Yes. Okay. 203 hours. Oh, that's cool. And rent me to take your picture. okay. Thank you, brother. तो इसको आप rent भी कर सकते हैं. 200 for 3 hours. Enter करते ही आपको ये Chinese statues दिख जाएंगे हर जगह. और look at this, यार. मैं तो इनके ना आर्किटेक्चर का फ़ैन हो गया यार, इनके जो ये कर बनाते कैसे हैं ना, अपने तो हैं ही अमेजिंग, अपने तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे बिकॉज वो अपने हैं, और ये भी कुछ कम नहीं है भाई। ये देखो वहाँ पर अलग ही लेवल की फ़ोटोज़, वो छाता वाता लेके बैठी हुई है मैडम जी, क्या खूब, बहुत बढ़िया। वर्ड अरुण वेस्टर्न बैंक ऑफ द काओ पराया रिवर की साइड पर पड़ता है, और क्या तो अमेजिंग व्यू मिलता है जैसे आप आ रहे होते हैं या बोट की बोट हॉपिंग भी करेंगे ना, जो मैं कर रहा हूँ अभी, आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा, आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप बोट हॉपिंग भी करेंगे तो आपको दूर से ही वाट अरुण दिख जाएगा। बोट हॉपिंग क्या है, ये पूरे बैंकॉक में आप किसी भी ऊंची साइड पे होंगे, आपको ये अलग से ही चमकता हुआ दिख जाएगा। ये टेम्पल बैंकॉक की रिच हिस्ट्री का एक पार्ट है, ये अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आते हैं और काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सामने अभी देख भी रहे हैं। तो फोटोग्राफर यहाँ पर रहते हैं, पीछे मेरे आप देख रहे हैं फोटोग्राफर यहाँ पर रहते हैं, आप हायर कर सकते हो उन्हें। और अगर आपको ऐसी कुछ ड्रेस पहननी है तो 300 रुपये में आप 300 baht में आप ये ड्रेस रेंट कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, और पिक्चर्स क्लिक करवाइए, वापस आके दे दीजिए। डिपॉजिट भी आपको देना पड़ता है 100, कहीं पे 200 है, कहीं पे 100 है, कहीं पे 300 है, तो डिपेंड करता है शॉप टू शॉप। तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और 300 रुपये आपको रेंट पे ये ड्रेस भी मिल जाएगी। बाकी आप हायर भी कर सकते हैं फोटोग्राफर की मैंने पूछी नहीं है, वो आप खुद भी क्लिक कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या किसी से बोल दें, या कोई फ्रेंड हो तो वो क्लिक कर देगा, या 1x1 कर दें, जब खुद लेनी हो एक दूसरे के साथ तो किसी को बोल दें, वो क्लिक कर देगा। तो अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वट अरुण कैसा लगता है, कैसा दिखने में है, और क्या क्या आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मस्ट विजिट है या नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, आपका भाई बता देगा। तो जैसे ही आप बीच साइड पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा सा लगेगा, बीच में जब आएंगे तो आप, और एंटर करते ही फर्स्ट चीज़ जो आप देखेंगे वो ये टेम्पल है, और यहाँ पर वट अरुण का टेम्पल स्टार्ट हो जाता है। एंटर करते ही आपके लेफ्ट एंड राइट में ऐसे स्टेचूज मिल जाएंगे बुद्धा के, और लाइन इस इधर से जाएंगे, वो भी इधर से जाएंगे, वो नीचे हिस्ट्री है इनके, जो किंग हैं और क्वीन हैं, और कहाँ से कहाँ तक है वो सारी इनके बारे में लिखा हुआ है, थाई में भी लिखा हुआ है। एंड यह मुझे थाई नज़र आ रही है तो मैं इसको पढ़ नहीं सकता, पर हाँ आपको दिखाया तो ये राजा महाराजा ही हैं यहाँ के, जितने मेरे को दिख रहे हैं फिलहाल। लेके चलता हूँ आपको अंदर।
एंड दिखाता हूँ कि अंदर आपको देखने के लिए क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लोथ पहने हुए हैं और फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, फोटोग्राफर को अपने साथ लेके आए हुए हैं। पिलर्स पे पेंटिंग करी हुई है ये, यहाँ पर आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा या ये पेंटिंग करे हुए चीज़ें, जहाँ पर दरवाज़ों पे, दीवारों पे, हर जगह पेंटिंग का यूज़ होता है और तभी यहाँ के लोग हर जगह बैठे हुए हैं और पेंटिंग करते आपको नज़र आ जाएंगे। फिलहाल ये सारे टावर हैं और ये जो मेन मंदिर है, मंदिर के साइड पर भी एक टावर है, उधर मैं लेके चलूँगा आपको। आप एंट्री वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं वहाँ से एंट्री करूँगा क्योंकि उधर यहाँ से जब आ रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से एंट्री यहाँ से करना सही रहेगा। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं वट अरुण टेम्पल को। यहाँ पर इन्होंने ये बॉक्स बनाए हुए हैं, शूज़ यहाँ पर आप शू रैक में रख सकते हैं, किसी ने नहीं रखे हैं बिकॉज थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर करना होता है। कैप का यहाँ पर अभी तो मुझे दिखा नहीं है, तो कैप मैं नहीं उतारा। अच्छा, यहाँ का कुछ अलग रिवाज है, लोग कैप या टोपी रख के किसी पवित्र स्थल में जाते हैं, टेंपल में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, बट यहाँ पर अलग है, यहाँ पर आप कैप नहीं लगा सकते। आई डोंट नो व्हाई, बट ये मैंने काफ़ी कॉमनली यहाँ पर देखा है। ये देखिए क्या अमेजिंग आर्किटेक्चर है, क्या अमेजिंग तरीके से ये बनाया हुआ है। ये जो स्टोन आप देख रहे हैं ना, चाइनीज स्टोन होते हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको अभी यहाँ के टावर में भी मिलेगा, जो बिगेस्ट टावर वो आप देख रहे हैं उसमें। उधर सी शेल भी आपको देखने को मिलेंगे जो लगे हुए हैं। फिलहाल ये यहाँ का टेंपल है, एंट्रेंस है, वही बड़ा सा गेट। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इट्स अ टेंपल तो मैं थोड़ा शांत रहूँगा। बाहर से टेंपल कुछ ऐसा सा लगता है। पूरे टेंपल को सोने, जेम्स और पेंटिंग के साथ सजाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ओके, सो लोग प्रेयर के लिए यहाँ पर। वो भाई साहब, अंदर देख रहे हो किस तरीके की पेंटिंग करी हुई है, जो आपने वर्ड फोर में देखा था ना, उसी तरीके की पेंटिंग यहाँ पर भी हुई पड़ी है, रूफ़ से लेकर वॉल से लेकर हर जगह। और क्या तो लग रही है यार, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है जैसे बाकी मंदिरों में होता है। और सामने बुद्धा का स्टैचू है, गोल्डन गोल्ड का है या गोल्ड कोटेड है वो लिखा नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा सा अंदर से लगता है। लोग प्रेयर कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। उसी तरीके से जैसे बाकी जगहों पे पेंटिंग हुई पड़ी है वॉल पे, यहाँ पर भी हर जगह पेंटिंग हुई पड़ी है ऊपर से नीचे तक। लुक एट दिस। और ये मेन मंदिर है वट अरुण का, और ये जो सामने स्टैचू जिसकी मैं बात कर रहा था वो गोल्ड का ही है, उस पर गोल्ड कोटेड नहीं है, वो गोल्ड का ही है। और वो यहाँ के राजा हैं और वो यहाँ की रानी है। तो चलते हैं बाहर, पहनते हैं अपने शूज़ और दिखाते हैं आपको यहाँ का फेमस टावर जो दूर से ही बैंकॉक सिटी से दिखता है, डोन सेट। ऑलराइट, थैंक यू। ये कॉरिडोर है और इनकी खिड़कियाँ देख रहे हो आप, ये बहुत प्यारी लग रही है। गाइस, वट अरुण जो है ये काफ़ी बार रेनोवेट हुआ है और काफ़ी बार इसमें चेंजेस आए हैं, और ये बिल्ड हुआ था अयोध्या एम्पायर जब था, अयोध्या टाइम पे बिल्ड हुआ था ये टेंपल। वट अरुण का जो नाम है, अरुण, वो हिंदू गॉड से आया है, अरुणा। मोस्टली यहाँ पर लोग मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं और इवनिंग के टाइम पे आते हैं। दोपहर के टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा होती है और बीचों बीच वेस्टर्न साइड ऑफ बैंक में पड़ता है, तो इसीलिए दोपहर के टाइम पे लोग यहाँ पर आना अवॉइड करते हैं। ये टेंपल थाई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और इसलिए यहाँ पर काफ़ी जगह से लोग आते हैं, पूरे थाईलैंड से लोग यहाँ पर इस टेंपल में आते हैं, विजिट करते हैं, प्रेयर करते हैं और ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। और ये जो ड्रेसेस पहने हैं ना, ये राजा महाराजा जो यहाँ पर ड्रेसेस पहनते हैं, ये वो सारी ड्रेसेस हैं। और ये लोग ड्रेसेस रेंट करते हैं एंड पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड खुश रहते हैं। सनसेट जैसे ही होने लगता है वैसे ही इस जगह से लोग एग्ज़िट देते हैं, क्योंकि ये टेंपल सनसेट के टाइम पर बंद हो जाता है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो लंबा सा स्टैचू जो दूर से पूरे बैंकॉक से दिखता है, टावर, वो जो टावर है वो 230 फीट टॉल है। वो जो टावर आप देख रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे आपको लग नहीं रहा होगा, और वहाँ पर आपको चाइनीज स्टोन और सी शेल से बनी हुई काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो कि वो आप वाइट वाइट कलर में देख रहे हैं ना, काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, मूर्तियाँ मिल जाएंगी, काफ़ी सारे स्क्रप्चर मिल जाएंगे और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन आपको उस टावर पर मिल जाएंगे। उस टावर को बोलते हैं सेंट्रल परांग। सो गाइस, अभी हमने देख लिया है अंदर से वाटर रूम टेम्पल, अब हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ का सेंट्रल परांग। ये हर एक टावर एक किंग को रिप्रेजेंट करता है, एक किंग के बारे में बताता है, उसके लिए लिखा होता है, तो बाहर उनकी डिटेल लिखी होगी, आपको वो देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सो ये जो आप बड़ा सा टावर जो आप देख रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल परांग। ये 236 फीट टॉल है और ये पूरे बैंकॉक से दिखता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं। ये ऊपर भी जा सकते हैं आप, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, बट आई गेस इस टाइम पे थोड़ा क्लोज होगा। तो जैसे ही आप ऊपर चढ़ते रहेंगे आप आसपास देखेंगे, इधर काफ़ी सारे चाइनीज स्टोन के साथ साथ और इनका सी शेल का काम हुआ पड़ा है, सी शेल से इन्होंने कारीगरी करी हुई है। तो काफ़ी अमेजिंग आर्किटेक्चर है। ऊपर आप देखेंगे ना टॉप पे, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, वो एलिफेंट बनाया हुआ है, उनकी जो तीन एलिफेंट हैं वो बाहर निकले हुए हैं, सूंड बोलते हैं ना, वो बाहर निकले हुए हैं। और ऊपर भी इनका बुद्धा का स्टैचू बना पड़ा है, और ऊपर जाएंगे और स्टैचू बने हुए हैं बुद्धा के, और भी तरीके के स्टैचू बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल पराग, जो पूरे बैंकॉक से बड़ी ऊँचाई से आपको दिख जाएगा ईजीली। एक और यहाँ पर टेम्पल है, अंदर बुद्धा का स्टैचू है, सेम एज यूजल, बाकी जैसे हर जगह पर मिल जाएंगे आपको वैसे यहाँ पर है। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये इसकी टाइमिंग है, ओपन हो जाता है 8 AM, क्लोज होता है 6 PM। बैकलेस ड्रेस अलाउड नहीं है, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, और ये वेस्ट अलाउड नहीं है। बी हम्बल बुद्धा स्टैचू, बुद्धा स्टैचू पे आप नहीं चढ़ सकते, बुद्धा हेड पे आप नहीं चढ़ सकते। इट्स रॉन्ग टू यूज सिंबल ऑफ बुद्धा इन बार डेकोरेशन टैटू, इट मींस नो रिस्पेक्ट। अच्छा, बुद्धा के जो फेस है वो आप टैटू नहीं बना सकते, वो डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा, और आप किसी बार में इसको डेकोरेट नहीं कर सकते, मतलब किसी ख़राब जगह पर आप इसको डेकोरेट नहीं कर सकते। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे बड़ी स्टीप सी चढ़ाई जा रही है, जो आप सीधा जा सकते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ से आप बैंकॉक का अमेजिंग सा पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। और जैसे ही आप चढ़ते रहेंगे आपको अमेजिंग सा आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको चाइनीज स्टैचू का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसे ही आपको काफ़ी आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे। स्टोन और सी शेल का यहाँ पर बहुत अमेजिंग तरीके से यूज़ हुआ पड़ा है, बहुत अमेजिंग तरीके से कारीगरी हुई पड़ी है। तो थोड़ी हिम्मत करके स्टीप चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, आपको ऊपर से थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। अभी ऊपर जाना क्लोज करा हुआ है, तो ऊपर अभी जा नहीं सकते हैं, बस यहाँ से वहाँ से यहाँ तक अलाउड है। और जैसे ही आप लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ये मार्केट यहाँ की स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकलते और उधर ही वॉशरूम है। सो गाइस, इसी के साथ इस वट अरुण टेम्पल की वीडियो यहीं पे एंड होती है। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो,
इंफॉर्मेटिव लगी हो। मस्ट विजिट प्लेस ये है या नहीं है? भाई बिल्कुल है। क्या खाली खाली पीली हाइप मचाई हुई है कि वट अरुण वट अरुण वट अरुण आपको जाना है? बिल्कुल मस्ट विजिट है भाई, डेफिनेटली आपको यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी जगह अगर आप मिस कर देंगे तो आप और कहीं पे, मेरे को लगता नहीं है आपको इस तरीके का एटमॉस्फेयर या इस तरीके की आर्किटेक्चर आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आना, आपका आना बनता है। वट फो और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? वहाँ पर जो लाइंग स्टैचू है ना बुद्धा का, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको एक बार तो देखना चाहिए ही चाहिए। और ये आपका जो आर्किटेक्चर है यहाँ का और अंदर का जो स्टैचू है, बहुत ही अमेजिंग है। जिस तरीके से ये बनाया गया है, जिस तरीके से ये पूरा जो इसकी हिस्ट्री है, अयोध्या टाइम पे ये पूरा टेंपल बनाया गया था, तो बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर है इस जगह का। आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए जब भी आप लोग बैंकॉक या थाईलैंड आ रहे हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो यहाँ पर वट अरुण देखने आते हैं, नहीं, पूरे थाईलैंड से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं देख रहा हूँ वियतनाम से भी आए हुए हैं, कोरिया से आए हुए हैं, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, हो सके तो जॉइन का बटन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। Peace. Boom. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya.